आज के हमारे संकल्प प्रतिष्ठान के दही हंडी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप स्टेज पर गए थे, आपने देखा होगा कि क्राउड को बहुत मज़े आ रहे हैं, सब नाच रहे गा रहे हैं, तो कैसा रहा आपको वहाँ स्टेज पर जाकर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हम भी सब खुश हैं क्योंकि गए 11 साल से संकल्प प्रतिष्ठान जो है ये गोविंदा का कार्यक्रम रचा रहा है। वैसे तो गोविंदा मैं इस मुंबई शहर में 50 सालों से भी ज़्यादा सालों से मैं देख रहा हूँ। पहले गोविंदा जो अलग ढंग के थे, 2-3 बजे तो सब जो ख़त्म हो जाता था, सब लोग घर चले जाते थे। बीच में एक ऐसा समय आया कि गोविंदा की संख्या बहुत कम हो गई और शायद ऐसा लग रहा था कि अब ये गोविंदा कोई आगे खेला नहीं जाएगा, मगर सचिन अहिर है या जितेंद्र आवाड है और दूसरे कई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गए 10-12 साल से जो है इसको फिर से प्रोत्साहित करने का काम किया और इसका ऐसे एक पैमाने पर इसको पहुंचा दिया है आज के आज मुंबई और थाना के भीतर जो है लगभग 700-800 भी गोविंदा से भी ज़्यादा संख्या है और करोड़ों रुपये जो हैं उनके पारितोषक रखे जाते हैं और एक बड़े ट्रेनिंग के साथ जो है गोविंदा जो आजकल जो है जो ह्यूमन पिरामिड जो है लोग एक के ऊपर एक जो है रची जाती हैं और पहले तो 3-4-5 तो बहुत हो गया, अभी 7-8-9 तक जा रहे हैं और इतना ही नहीं कि पर फॉरेन से भी लोग यहाँ देखने आए हैं और हमारे भी लोग वहाँ जा रहे हैं। तो एक ये एक मैं कह सकता हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा इससे जुड़ी हुई है तो यही है कि भाई अगर हम एक दूसरे का साथ दे दें तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाना कोई कठिन बात नहीं है, आसान हो जाएगी। एक पर्सनल सवाल पूछूंगी, क्या आपने कभी बचपन में आपने कभी दही हंडी खेली है? दही हंडी खेली है, दही हंडी लगाई है और सालों तक ये करता आया हूँ मजगांव में। तो आपको यहाँ देखकर मन नहीं कर रहा था, बचपन की यादें नहीं आ गई कि अब मुझे फिर से जाना है? बिल्कुल यादें आती हैं, इसलिए तो हर साल जो है गोविंदा के दिन जो है यहाँ से लेकर थाना बोरीवली तक जो है जाता हूँ, जितना भी जो है पॉसिबल होता है, जितना भी शक जो मुझे मुझसे क्या जो भेंट मैं दे सकता हूँ, समय की जो है पाबंदी तो होती है मगर सबको मिलने की कोशिश तो मैं करता हूँ। आपको कोई भी जन्माष्टमी का कोई भी आपका फेवरेट गाना है? मैं आपसे गाने के लिए नहीं कहूँगी बट सिर्फ यूँ पूछ रही हूँ कि कोई फेवरेट गाना है जन्माष्टमी का। देखिए अभी जन्माष्टमी के गाने तो बहुत सारे जो आए हैं मगर पहले जो ट्यून जो है ओरिजिनल ट्यून जो है वो वही है, गोविंदा आला रे आला, वो जो है मतलब पहले तो अलग थी, उसमें अलग भी जो है लफ्ज जो है जुड़े गए हैं क्या हमारे दर्शक तो वही है पहले से जो और वही जो है बहुत सारे गोविंदा आला रे। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ विश करना चाहेंगे आज के दिन? मैं इतना ही कहूँगा कि बस इसका बड़े आनंद के साथ इसका उत्साह हम बढ़ाते जाएँ मगर साथ साथ कोई दुर्घटना हो ना हो इसके लिए भी हम सब लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी फिर बीमा कंपनियों के साथ क्यों न हो या और दूसरे कोई तरीके से क्यों न हो पूरा जो है सरकार जो है जिसको भी हानि पहुंचती है उसको देने का काम संकल्प जैसे प्रतिष्ठान हो या दूसरे जो कार्यकर्ता हो उनको सबको करना चाहिए। सर सचिन भाऊ और संगीता जी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं कि आप यहाँ आए और आपने वक्त निकाला। हैप्पी जन्माष्टमी।